अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड अदर व्लॉगर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज एक नए व्लॉग के साथ मैं मुस्तफा अलवी और मैं कमर, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कमर अलवी, मुस्तफा अलवी और कमर अलवी हाजिर हैं। तो जनाब, काफ़ी दिनों से मुझे बहुत गिला है, मैं वीडियो में नहीं था तो आप लोगों ने वीडियो वॉच करना ही छोड़ दी। तो दोस्तों, कमर भाई ने तो बहुत ज़ोर लगाया, वीडियो भी बनाई अकेले आके। मैं सियालकोट गया हुआ था, वो व्लॉग आप लोगों ने देखा है। लेकिन अफसोस ये है यार कि हम व्लॉग डेली बना रहे हैं तो आप लोग कभी कभार देखते हैं। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 700 से अबावा अल्हम्दुलिल्लाह, तो आस्ता आस्ता बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों का शुक्रिया। जो नए आने वाले हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और काइंडली, वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा, वॉच टाइम बढ़ेगा तो चैनल मोनेटाइज होएगा। तो आज हम आपको जो चीज़ दिखाने वाले हैं विलेज इन सिटी 99 में, वो पैसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि पेट्स लवर तो आप लोग हैं, लेकिन यार पेट्स लवर देख के, वीडियो देख के कोई फायदा भी हो ना, मेरा सानू ही ना फायदा हो कि जी असी तो कहने वीडियो देखी जाओ, तुम साड़ी वीडियो देखने, असी जो कल चैनल मोनेटाइज होगा डॉलर आने अमेरिका चो। तो यार अपने पाकिस्तानी होगा, किसी का भी चैनल होना उसको सब्सक्राइब किया करें, वीडियो चला के चाहे नुक्कर पर रख दिया करें, नहीं पसंद है तो वीडियो चलाया करें एक दफ़ा। तो आज आपको हम विलेज इन सिटी 99 में पैसे मल्टीप्लाई करने का फार्मूला बताते हैं। तो जी कमर भाई बताएं। यार ताड़ी मेहरबानी है, तुम साढ़े चैनल में क्या करो, यही तरीका मल्टीप्लाई करने का पैसे, और कुछ कोई तरीका नहीं है। आज मैं आपको लेके चलता हूँ, मजाक कर रहा था। तो कमर भाई बताएं, मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि हम लोग सोचते हैं कि यार ये जो है ना बाजार से हम ले आए मुर्गी या इसके चूजे वगैरह, तो भाई बड़ा ईजी है। एक आप मुर्गी लें और उसके नीचे आप अंडे रखें, कोई 10 से 12 अंडे रखें, अच्छी नस्ल के अंडे रखें। तो इससे क्या कि मुर्गी जो है अंडे कम होंगे ना, तादाद अंडों की कम होगी तो मुर्गी सारे बच्चे आराम से निकाल लेगी। जब हम सोचते हैं ना कि यार मैं एक बार ही 25-30 अंडे रख लूँ, तो उससे क्या होता है कि वो मुर्गी पूरी तरह जो अंडों के ऊपर बैठती नहीं है, अंडे जो है ना वो हैच नहीं होते पूरी तरह, जिसकी वजह से ना अंडे आधे ख़राब हो जाते हैं। तो इससे है कि आप 10 से 15 अंडे जो है ना रखेंगे ना मुर्गी, अच्छा मैं कह रहा था कि 10 से 15 अंडे रखेंगे ना तो वो बड़े ईजी हैच हो जाते हैं मुर्गी, यानी सारे से अंडे निकाल लेती है। आम जो है ना, क्या नाम है, हम आम देसी मुर्गी का जो चूज़ा लेके आते हैं ना बाजार से, तो वो 150 का देते हैं मार्केट में। तो भाई अगर हम ये घरों में निकालें ना तो अंडे, यानी आप अंडा लेने जाएँ ना तो अंडा आपको देसी जो ना हद 40 रुपये में या 50 में मिल जाता है। तो जब आप अपने निकालेंगे तो आपके देखें कितने ज़्यादा हो जाते हैं। अगर इसके अंदर मोस्टली मुर्गियाँ होंगी ना तो मुर्गियों का हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि ये जो है ना, क्या नाम है, बड़ी होंगी जो अंडे देंगी, तो ये जो है क्या नाम है, इनकी ग्रोथ बढ़ेगी। ग्रोथ से क्या होगा कि हम अंडे सेल भी कर सकते हैं घर में बैठ के, और क्या नाम है, आगे जो मुर्गी हैं इसको हम वो आगे उनको उसके ऊपर जो होती हैं कुड़क के ऊपर बैठ सकती हैं, यानी कि कुकड़ी साड़ी जो कुड़क हो जाएगी तो अंडे तुम बैठा भी सकते हैं। तो दोस्तों, फिर कमर भाई का कहना ये है कि भाई जान आप जो हैं वो कुड़क वाली मुर्गी लें, देसी मुर्गी है, लेकिन ये हमारी देसी नहीं, ये हमारी एस्ट्रालो मुर्गी है। तो इन्हें भी कुड़क मल्या, और जो इन्हें कुड़क मल्या तो असी थले कोई 18 अंडे रख देते, और अलहमदुल्ला सारे के सारे हैच होए। तो घर बह के मल्टीप्लाई करन दा आसान तरीका, आसान तरीका है। हाँ जी, यानी कि तुम एक तो दो, यानी कि एक तो दो नहीं, एक तो भी या एक तो दस, एक तो दस। हाँ जी, तो दसा तो तुम फिर 100 तो जा सकते जी, ठीक है, 10-10 भी अंडे रखो मुर्गियाँ थले, ते 100 चल गए, इहदा मतलब 100 तो बाद तुसी फिर मल्टीप्लाई कीता तुसी ते हजारां ते चल गए यार। देखो हजारों वाले तो बड़ी लंबी बात हो जाती है ना, दूर चला जाता है। आप थोड़े से स्टार्ट करें ना, ये ना सोचे कि मैं एक बार ही 1000 करूँ, भाई छोटे से स्टार्ट करें, कम से स्टार्ट करें, आस्ता वो बरकत डलती जाएगी, तो क्या नाम है वो काम बड़ा होता जाएगा। तो आज तो आपने हमारे दोस्तों को पैसे कमाने का तरीका बता दिया, तरीका भी बताया कि वो क्या नाम है आपके सामने है कि घर में बैठे ये चीज़ें हम निकालें आस्ता, यानी कि उसमें होगा भाई, इसलिए इनके पीछे पीछे जा रहे हैं, यहाँ पर बिल्लियाँ बहुत हमला करती हैं, तो ये हमारी जो है इनकी सेफ्टी बड़ी ज़रूरी है, इनको इसलिए हम भाई इनके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो मेरा यार ख्याल है कि फिर इनको जो है ना फिर बंद कर दें, ऐसे तो हम जो है ना वो टाइम ना वेस्ट हो जाए हमारा, और हम इसी को अगर वीडियो बनाते रहे तो फिर लंबी हो जाएगी। नहीं नहीं, वो लंबी नहीं, इसलिए इनके पीछे पीछे आ रहे हैं कि भाई ये जो है ना यहाँ पर बिल्लियाँ अचानक हमला कर देती हैं, जिसकी वजह से भाई अभी छोटे छोटे हैं, यार कैसे प्यारे प्यारे चूजे हैं, किस तरह अपनी मामा के साथ, मामा का खेड़ा नहीं छोड़ते ये, मामा का खेड़ा छोड़ रहे हैं। और साथ साथ जो है ना क्रॉलिंग कर रहे हैं, जो व्हाइट वाले ना ये हमारे लाइट सेक्स की मुर्गी हैं। हाँ, ये वाले व्हाइट वाले जो है, जो ब्लैक है, ये सारे इसके एक्स्ट्रा लुक के हैं, लेकिन बाप इनका एक है यार, प्यो एक है, अब्बा जी एक है, वो व्हाइट ही है, वो सुसेक्स ही है, ठीक है ना। आप देखो कितनी लाइन बना ली है, आप देखते हैं कि ये किस तरह की, यानी कि ये कौन सी चीज, यानी कि ये निकलती है। हाँ, अभी जब बड़े होंगे फिर देखते हैं आस्ता आस्ता।
तो यार आज याद आया, आज डॉगी जो है ना हमारा जैक जा रहा है, हम उसको उधर भेज रहे हैं। हमारा जो कुकड़ी वाला फार्म है ना दूसरी तरफ, जहाँ से हम जाके अंडे चुकते होते हैं, वहाँ पे हमारा जैक जा रहा है। हाँ, तो अभी से हम वहाँ पे रखवाली के लिए भेजेंगे, तो वो हमारे काम यानी कि वो वहाँ पे जाके जस्ट हो जाएगा उस माहौल में। तो लिहाजा हम आज जैक को भेज रहे हैं, वो जो ब्राउन वाला था ना जो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हम जा रहा है, इसलिए हमारा जैक जा रहा है भैया। चलो भाई आप लोग जरा खेलो मलो, तो हम जो है वो कुछ और करते हैं। गाला पै जानी जी? नहीं भाई अब इनको ले पहले आए ना, ले जाने हैं थोड़े ही बंद कर, थोड़े ही बंद कर दिए, नहीं तो अम्मा तो फिर चलो पूरा हल्का सा ना मन। चलो जी ना ले जाओ जी फिर। तो यार हमारे हमसायों के घर ना बड़ी गायें हैं, आपको दिखाते हैं, ये देखें गायें, ओए ये हमारे हमसाये हैं, इनके घर में बड़ी गायें, ओए कैसे खा रही है ये है? ये देखो मैं बच्चे पकड़ के टोकरी में डाल रहा हूँ ना। डाल लिए आपने सारे? देखो इस तरह की माँ है कि उसको फिक्र ही नहीं है, नहीं तो मुर्गी पता ना वो कैसे बंदे को उड़ के पड़ जाती है। मुर्गी तो भाई जान भाग के जो है ना वो अटैक करती है। सारे उसके बच्चे पकड़ो, उसको फिक्र ही नहीं है। ये देखो उसको भी फिक्र, मेरे बच्चे पकड़ रहे हैं। फलो फदलो फदलो फदलो, ये देखो कितने नींबू पकड़े हुए हैं आपने। पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। अच्छी माँ नहीं है जी, यानी कि आपको कुछ नहीं कहती भाई ने सारे। वो मुर्गी भी पकड़ ली है, चूजे भी पकड़ लिए हैं, चूजे भी डब्बे में आ गए, मुर्गी भी आ गई। क्या बात है आपकी यार, आ जाओ चलें भाई। रोटी लेके जा रही हूँ अपने भाभी के हस्बैंड के लिए। आप लड़की मांग गई हो? नहीं नहीं अब मैं रोटी लेके जा रहा हूँ भाभी के हस्बैंड के लिए, यानी कि मेरे भाई की रोटी। भाभी के हस्बैंड के लिए मनारे पाकिस्तान पहुंच गए, इनका इस्तकबाल करने। लो जी भाई जान। हाँ जी भाई कोई पूछने लगे गए? अच्छा कल ही पहुंचे लाहौर, ठीक हो गया। भाई ने नवाज शरीफ साहब को अपने बच्चे बचा लो, बड़े शौकीन है मुर्गे के। भाजो भाजो भाजो, पूरा मुड़ो खा गए, लगा लो अपनी मुर्गी लगा लो इन्होंने, नून लीग वाले को मुर्गी लगा लो। ना ना आज आज कुछ नहीं आते, नवाज शरीफ ने कहा मैनू कच्चा गोश्त नहीं पसंद है। मंडी के बंदा माल बेचता, गोलियां बेचता हाजम ले, और कहना मझा खा जाओ गावा खा जाओ, और जो लभदा खा जाओ, और सौरे का माल खाने वाले मेरे को आ जाओ पैकेट 10 रुपए। सौरे का माल खाने वाले, सौरे का माल खाने मेरे को आ जाओ, अगे की पैकेट 10 रुपए का। ये तो यार हाजम वाला गोलियां ना। अच्छा हाजम वाला गोलियां, हाजम वाला गोलियां मेरे चूरन दी। लो कहना के सौरे का माल खाने वाले मेरे को आ जाओ, मझा खा जाओ गावा खा जाओ, जो लभदा खा जाओ भेडू खा जाओ, जो लभदा खा जाओ, सौरे का माल खाने वाले तो मेरे को आ जाओ पैकेट 10 रुपए का। वाह जी वाह वाह, नवाज शरीफ साहब ने क्या जनाब चीज सुनाती है। तो मौसम भाई होनी डंगर चौन लगे है भाई, हम पेंडू हैं, आई एम प्राउड के पेंडू, हम पेंडू। ओ भाई होनी की कर रहे हो? ओ भाई ने भाई ने भाई ने की कर रहे हो? देखो यार की कर रहे हैं भाई, इनको बंद कर दिया। कर दिया बंद, सेफ्टी पर्पस जरूरी है उनके लिए। अच्छा उन्हें सेफ्टी बड़ी चंगी जरूरी है, बड़ी कीमती नस्ल है, ओदे अंडा थी खा गई किते। ओ अब अंडे खान वाली मशीन साडी वाली डैन किथों आ गई यार? अगे अम्मा जी कह रहे सी के इनु जड़ा ना किसे नु दे दो, दे दो मेरे अंडे खा रही है भाई, ए दे दो किसे नु, ए लॉन दे बाद लॉन च जाके पोटियां भी कर दी है यार, बहुत बुरा यार ये, ये मुझे लगता है इसने ना कहीं निकल जाना हमारे यहाँ से। यार ये क्या एक बच्चा रह गया, बाकी बच्चे किधर गए हैं? ये है जैक किधर? तो भाई जान हमारा जो है जैक है ना वो जाने वाला है। जैक जैक को बुलाएं यार, जैक को बुलाएं, जैक बाहर नहीं आ रहा, उदास हो जाएगा ये तो फिर। ये जैक आ गया, जैक आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ये एक दो रातें रोएगा उधर जाके फार्म पे ना, तो फिर ये आसान से सेट हो जाएगा। ये देख लो भी। ओए, ओए, बड़ा भालू सा है यार वैसे हमारा जैक ना, दिल नहीं कर रहा, अब क्या करें यार, भेजना पड़ना भाई उधर वहां पे, मजबूरी है, मजबूरी है यार। साढ़े नामी ग्रामी दोस्त आ गए है अमजद साहब। अमजद साहब की हाल है? ये जनाब तुसी नाल चीदा ते तुसी कहंदे अगले दा खर्चा नहीं करवाना? करवाना तुहाड़ा खर्चा क्यों करवाना? अच्छा कहदे देखी बड़ा देर हो गई है कभी खादी और भाई जन तुसी सुनाओ वीडियो बना के पाई है छलियां वाली गाली में 6-7 पापा जी ए हुंदी देखी
ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੰਘਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਡੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਝ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਝ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਵ ਆਓ ਬਸ ਆਓ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਓ ਛੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੇਗਾ ਜਰਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਣਜਾਣ ਬੜਿਆ ਉਹਨੇ ਪਏ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਕਿਉਰਟੀ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਭੇਤੀ ਬੰਦਾ ਭੇਤੀ ਬੰਦਾ ਲਗਿਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਲਵੀ ਗੋਲੂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੋਲੂ ਕੋ ਪਕੜੇ ਜੀ ਆ ਗਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਆਇਓ ਅਮਜੋਤ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਵਜ਼ਨ ਦੋਨੇ ਦਾ ਵੇਖ ਲਾ ਨਾ ਨਪਲਿਆ 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 ਬੜਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਮਾਰਾ ਗੋਲੂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੋਲੂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਰੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੇ ਸਾਥ ਹਮਾਰੇ ਫਾਰਮ ਪੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੈਕਸਨ ਕੇ ਸਾਥ ਅਬ ਇਸਕੀ ਹੋਗੀ 100 ਮੁਰਗੀਆਂ 100 ਬੀਵੀਆਂ ਵਾਂ 100 ਬੀਵੀਆਂ ਹੋਗੀ ਵਾਂ ਪੇ ਅਬ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਯਾਰ ਮੌਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹੈ ਉਸਕੀ 9 ਬੀਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਲਓ ਜੀ ਕਮਰ ਭਾਈ ਗੋਲੂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਹੈ ਉਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਚਲ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮੁਰਗਾ ਦੇਖੇ ਕੈਸਾ ਹੈ ਇਹ ਬਸ ਇਸਕੋ ਆਗੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬੀਵੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਆਜ ਇਸਕੀ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਹੈ ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮ ਪੇ ਉਨਕੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਚਲੇ ਜੀ ਮੁਰਗਾ ਇੱਕ ਅਦਤ ਔਰ ਇੱਕ ਅਦਤ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜੈਕਸਨ ਲਓ ਜੀ ਜੈਕਸਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦ ਇਸਕਾ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲੇ ਭਾਈ ਓਏ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਇਸਕਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਚਲੋ ਜੀ ਅਬ ਯਹਾਂ ਸੇ ਭਾਈ ਪਕੜ ਲੇ ਔਰ ਬਾ ਹਫਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਲਓ ਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਆਪਣੇ ਵਿਊਵਰ ਕੋ ਆਜ ਨਾ ਆਏ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰੇ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਹਮੇ ਆਪ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਆਜ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖੇ ਗੋਲੂ ਜਾ ਰਹਾ ਔਰ ਜੈਕਸਨ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਫਾਰਮ ਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮ ਮਿਲੇਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਮੇ ਤੋ ਆਜ ਕੇ ਲਈ ਹਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਲਾਈਕ ਕੀਆ ਕਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਆ ਕਰੇ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਆ ਕਰੇ ਔਰ ਹਮੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼